नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल का। आज डेट का बात करें तो 11 फरवरी है दोस्तों। तो कुछ कैंडिडेट है, तो वो लोग से पूछते हैं कि आखिर आप लोग का वहाँ पर वो क्वालिफाई है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा और क्या क्या प्रोसेस अभी हो रहा है, पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बार जी, आपका हो गया क्वालिफाई? हाँ, क्वालिफाई। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो एक चीज़ आप बता दीजिए कि आपका सबसे पहले आप कितना बजे एंट्री किए थे और उसके बाद आपको क्या क्या प्रोसेस हुआ अंदर में? नहीं, एंट्री तो 6:30 बजे का है, लेकिन हम पहले यानी कि 6 बजे ही पहुंच चुके थे। हाँ, और 6 बजे उससे पहले से ही एंट्री मतलब हो रही थी, पहले से ही हो रही थी। हाँ, तो 6 बजे हम जैसे पहुँचे, बस अपना सिर्फ आधार कार्ड हाँ, और एडमिट कार्ड, बस ये लेके अंदर जाना होता है। बैग उसको सिर्फ रखवा लेते हैं, उस रखवा लिया बस यहाँ पे अपना गए। उसके बाद जूता उत्ता खुलवा के खुलवा लिया, उसके बाद हाइट और हाइट हुआ। हाँ, उसके बाद बैठे कुछ देर। हाँ, उसके बाद बैठने के बाद बैठाने के बाद उसके बाद फिर चेस्ट होता है। उसके बाद चेस्ट होने के बाद जिनका चेस्ट नहीं होता क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो उनको बाहर कर दिया जाता है। नहीं होते तो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, उनको बाहर किया जाता है। ये बता दीजिए कि सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे एंट्री किए, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहा है? डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, कास्ट तो नहीं लग रहा, निवास लग रहा है। सेंट्रल लेवल का होना चाहिए या अनुमंडल लेवल का होना चाहिए? सेंट्रल अनुमंडल लेवल बस वही काफ़ी है, लेकिन वो जो पता है अनुमंडल लेवल का, वो अंचल लेवल, एसडीओ लेवल। हाँ, एसडीओ लेवल, तो वो अंचल लेवल का नहीं चल रहा है, लेकिन उनको टाइम भी दिया रहा है, दिया जा रहा है यहाँ पे। ब्लॉक लेवल का मतलब नहीं चलेगा ना? ब्लॉक लेवल अनुमंडल लेवल का, अनुमंडल अधिकारी जो होते हैं ना, उनका साइन चाहिए। तो पहले अंचल लेवल का बनता है, उसके बाद अनुमंडल लेवल का बनता है, तो वो चाहिए। उसके बाद निवास हो गया, उसके बाद ओबीसी, जो ओबीसी के लेकिन ओबीसी एसटी है, तो उनके लिए वो कास्ट जो होता है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है। उसके बाद आपका फिर आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगता है, मैट्रिक इंटर दोनों का जो सर्टिफिकेट जो होता है, वो सर मूल प्रमाण पत्र जिसे बोला, हाँ वो मैट्रिक और इंटर का लगता है, बस हाँ ये लगता है। और बेहतर रहेगा कि इसका मार्कशीट भी फेल का और इंटर का दोनों साथ में लाएँ। एक चीज़ आप बता दीजिए कि आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर किस तरह से हो रहा है? बस कुछ नहीं, बहुत अच्छा से किए यहाँ पे सर, सब कोऑपरेट भी कर रहे थे, तो मेरा तो अच्छा हुआ, लगभग सबका ही लगभग हो गया। एक चीज़ आप बता दीजिए कि आज कितना आपका बैच में कितना का बैच बना हुआ था सुबह, लगभग कितना कैंडिडेट आया होगा आज? लगभग में 1000 बंदा आया था, लगभग 1000 में से आपको कितना डिस्क्वालीफाई हो चुका? डिस्क्वालीफाई बहुत ही कम मात्रा में हुआ है, लगभग में लगभग वही 20-25 ऐसे ही कुछ हुआ होगा, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर ही लगभग सबका ही हो चुका है लगभग। हर किसी पर डॉक्यूमेंट्स नहीं, उसको क्या मौका दे रहा? डॉक्यूमेंट्स के लिए तो मौका दिया जा रहा है इस दिन के लिए। और ये बता दीजिए कि एग्जाम का कुछ बता रहा है क्या, एग्जाम कब तक हो जाएगा? एग्जाम ऐसे सर को बता रहे हैं कि एग्जाम का तैयारी कीजिए, टाइम दिया जाएगा। अब आगे का नहीं पता कि अब कितना दिन का टाइम मिलता है या फिर एडमिट कार्ड कब बहाल हो जाता है, लेकिन बोलने की सर सब बोल रहे थे कि एग्जाम का तैयारी कीजिए, टाइम मिलेगा। एक चीज़ आप बता दीजिए भाई कि ऐसा कोई कैंडिडेट आपको देखने को मिला, मान लीजिए कि किसी का SSC GD का भी एग्जाम चल रहा है और सेम डेट में आप लोग का अगर किसी का है, तो वो बाद में भी जब तक फिजिकल चल रहा है वो आके दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। बैक डेट का भी बंदा एक आया हुआ था, उनका भी लगभग हो, मतलब बैक डेट में जब तक फिजिकल चलेगा तब तक वो आ सकता है ना? हाँ, आ सकता है, उनका है, उनके लिए छूट है, एग्जाम दे सकता है, एग्जाम के बाद आ सकता है अगर सेम डेट में अगर पड़ता है। आपका हाइट कितना हुआ नॉर्मल, आपका हाइट कितना मतलब हाइट कितना हुआ? और मेरा हाइट 1.72 ऐसे होता है, तो यहाँ भी 1.72 कुछ हुआ सिंपल कर। हाइट में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना? नहीं, हाइट में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चेस्ट में एक चीज़ बता दीजिए, चेस्ट आपका नॉर्मल कितना था, फुला कितना हुआ? नॉर्मल मेरा 78 था, फुला के 84 हुआ था। अगर किसी का नहीं फूल रहा भाई, हाँ, तो उसको क्या मौका दिया जा रहा? जिनका अगर नॉर्मल में ही नहीं हो रहा है या फिर एक्सपेंस नहीं कर पा रहा है, तो फिर उनके लिए कुछ मतलब दोबारा तो मौका दिया जा रहा है कि फिर से बुलाइए या ऐसे कुछ, मतलब लास्ट टाइम मौका डिप्स वगैरह मारने का मौका दिया जा रहा है ना? ऐसा तो कोई नौबत नहीं है, जिसका बहुत ही ज़्यादा कम है तो वो डिस्क्वालीफाई होता है, जिनका जो नॉर्मल है तो उनका हो ही जाता, लगभग मैं बोले लगभग में सबका ही हो गया, मतलब लगभग लगभग का सभी का हो गया। 77 है लगभग सबका ही। कुछ जैसे क्वालिफाई आप कर जा रहे हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स कुछ दे रहा है आपको? कुछ नहीं है, जो क्वालिफाई कर जा रहे हैं उनको अभी तक कुछ देखा, मतलब आगे टाइम आप लोग सिग्नेचर वगैरह कुछ करवा रहे हैं क्या? आते टाइम बस सर टिक मार रहे हैं, जिनका जो जो एंट्री किए थे, जिस मतलब टाइम में एंट्री किए थे या चेस्ट नंबर जिस जिनका जिस जो जो था उस लेवल का, मतलब वो सर टिक मार के सबको निकालते जा रहे हैं। सीरियली भाई, जैसे सीरियली भाई टेबल में कितना था तो पर भी? एक टेबल में लगभग 100 बंदा था, एक टेबल में 100 बंदा, 600 से 700 इस तरह का टेबल था। हाँ, इसी तरह से आने वाला कैंडिडेट को आप क्या करना चाहिएगा?
आने वाला कैंडिडेट को बस यही कहना चाहेंगे, बस डॉक्यूमेंट अपना जो जो मतलब जो जो बता रहे हैं बस बतलाए, और अब जो कर चुके हैं उससे भी एक बार राय मशवरा ले लीजिए। और फिजिकल में हाइट टेस्ट हो उसमें कुछ में दिक्कत नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रहा हाइट टेस्ट उसमें। कहाँ से आप हो? हम तो कटिहार से हैं, बिहार कटिहार से। कहीं इससे पहले आप कहीं पर आप डिफेंस का मतलब दिए थे क्या फिजिकल? नहीं नहीं, इससे पहले हम नहीं दिए थे, फर्स्ट बार ही मेरा है। क्या जी डी वगैरह भरे हैं क्या? नहीं, जी जी का मेरा कुछ छूट गया, प्रॉब्लम था छूट गया, मैं नहीं कर पाए जी जी का। ठीक है, थैंक यू। आप कहाँ से आए हो? कटिहार से, बिहार कटिहार से। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चिरंजीत कुमार हुआ, मनियारी। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग बता देते हैं कि फिजिकल में अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो देखिए यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपका पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको नहीं आना, क्या ऐसा मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बाद में भी आप दे सकते हो आके? मतलब आपको एप्लीकेशन वगैरह लिखाया जा रहा ना? हाँ, उनको रिक्वेस्ट नंबर लिखते या फिर ऐसा प्रोसेसिंग है। एक चीज़ बता दीजिए, अगर किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं होता वो बाद में आके जमा, उसका जितना दिन टाइम दिया उसका डेट में अगर वो नहीं जमा करता क्या उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा ना? क्या अगर उसको टाइम दिया गया फिजिकल का डेट, मतलब जब तक जीएसटी का डेट जब तक चल रहा है उसके अंदर ही अंदर आपको देना होगा। उसके अगर फिजिकल समाप्त हो जाने के बाद अगर कोई आता है तो फिर उसके आगे तो नहीं पता, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर टाइम के बाद अगर आए तो। और उससे पहले आता जितना अगर टाइम दिया गया उनको या फिजिकल जब तक हो रहा है तब तक में अगर आ जाएगा तो कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल मालूम चल गया है कि किस तरह से आप लोग का फिजिकल का प्रोसेस हो रहा है। आज का आप लोग को बता दिया 11 फरवरी का आज है, तो भाई से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और सारा कुछ डिटेल्स आप लोगों को बता दिया। और आप लोग का आई होप सारा कुछ आप लोग का इन्फॉर्मेशन सही से सटीक और मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।